अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान सिशार अलमान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं रियल पाकिस्तान। मौजूद इस वक्त राजनपुर के इलाके में और राजनपुर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वह सैलाब आया हुआ है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर पानी है और वो सामने मकान देख रहे हैं वो गिर चुके हैं इस पानी की वजह से, और दूसरी तरफ जो है यहाँ पर खड़ी फसलें भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं। एक तरफ ये कमाद की फसल थी ये भी जल चुकी है और उसके पीछे भी बहुत सारी जगह हैं जो बिल्कुल जो है सफ़े हस्ती से बैठ चुकी हैं। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो यहाँ के जो लोग हैं वो अभी जो है मेन रोड पर जो है वो आ चुके हैं और यहाँ पर जो है खेमे लगाकर अपनी मदद आप खेमे लगाकर बैठे हैं। एक तरफ आपको ये दिखा सकता हूँ कि अभी हम यहाँ पर जब पहुँचे हैं तो ये शख्स जो है ये बोल नहीं सकता और हमने इससे बोलने की कोशिश की है और कहा गया है कि ये गूंगा है, और इसकी दो मासूम बच्चियाँ जो हैं वो इस चारपाई के साए के नीचे जो है वो सो रही हैं। मुझे लगता है कि लोग जो हैं इस वक्त इनके पास नहीं पहुंच रहे। हम यहाँ पर जब पहुँचे तो देखकर बड़ा अफसोस हुआ है कि वो सियासतदान वो लोग जो दावे करते हैं कि हम इनके खिदमत गुजार हैं हम इनकी खिदमत करेंगे और लेकिन वो इस वक्त तक इनके पास नहीं पहुंच सके। क्या आपने वोट लिए थे घर बैठने के लिए? क्या आपने वोट लिए थे बड़े बंगलों में बैठने के लिए? नहीं, आपको यहाँ पर आना चाहिए और इन लोगों की हेल्प करनी चाहिए। जो लोग आपको वोट देते हैं अपने घरों से निकलकर पोलिंग स्टेशन तक जाते हैं, गर्मी नहीं देखते सर्दी नहीं देखते, लेकिन आपको वोट देते हैं, आपको जो है बनाकर आपको आला ऐवानों तक पहुंचाते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये देख सकते हैं कि आपके सामने मासूम बच्चियां जो हैं वे इस वक्त धूप में बैठी हैं और एक चारपाई का सहारा लिए और उनके साथ वो बेबस बाप बैठा है जो बोल नहीं सकता गूंगा है। हम जो है आगे भी लेके चलते हैं कि वहाँ पर भी कुछ लोग बैठे हैं और उन्होंने भी यहाँ पर जो है कैंप लगाया हुआ है। मेरा कैमरामैन आगे आएगा और हम यहाँ पर आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर जो सूरत हाल है, लोग जो हैं अपनी मदद आप जो है वो कैंप लगा के बैठे हैं और यहाँ पर कोई सियासी नहीं पहुँचा, यहाँ पर कोई बड़ी जो पार्टियाँ हैं जिनको कहा जाता है कि बड़े दावे करते हैं वो यहाँ तक नहीं पहुँचे। हम लोगों से बात करते हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये लोग जो हैं चार पाइयों का सहारा लेकर जो है अपनी छांव बनाकर जो है वो बैठे हैं। हम इनसे बात भी करते हैं और इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बस आई क्या हाल है? ठीक हो? फिट हो? अच्छा बस आई दसो के नहीं मिली ये कटड़े अडी घणो साईं? अच्छा डाढे लोक ने जेरी शाय आंदी पियो घर रखे ने खणन इदा हूं वाले। अच्छा बस आई दसो दसो जेड़े लोग तोड़े जेड़े मकान पर गरीब कई नी सूह बनता मतलब खान आई टप गए बस खान है अली रजा खान टप गए नुकसान हो गया ढेर नुकसान है जी मकान ढह गए दाने गल गए माल हूं खड़े बदे बैठू बच्चे भी रात सुन जी बच्चे ही थी सुनना रात को नहीं लगता रात को छात ले हूं किकर तले वाला वेनू। अच्छा रात को ही थी मच्छर है सुन लो कुछ आका नहीं मैं पीऊं टाइम पास करने अल्लाह दे आसर जी हां आपकी मदद के लिए कोई नहीं आया? कोई नहीं आया जान से नहीं कहा जा रहा है कोई मजहबी तंजीमें आपके सब ना ना कोई नहीं आया ना तंजीमी आए कोई ना हुकूमत दे तरफ आपने खाना खाया? हाँ रोटी तो खंदे बैठू चावल मिले वेन कहीं मिले अपनी पकेंदे बैठू खंदे बैठू। अभी आपके पास चावल कौन लेके आया? सड़क तू हाँ हाँ कई दे ठीक है सड मार दे आ ठीक है गे फिर आपने क्यों कहा कि कोई नहीं आ रहा हमारे पास? ये जमात वाले अंदे बन तो वही बात है मजहबी जमात आ रही है। हाँ हाँ जमात वाले अंदे चावल दे सड़क जी बिल्कुल नासीन आपने गुफ्तगु सुनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मासूम बच्चियाँ और बच्चे जो हैं वो भी इस छोटे से टेंट के नीचे बैठे हैं और वहाँ पर भी देख सकते हैं वो रेहड़ी खड़ी है और रेहड़ी का सहारा लिए यहाँ पर मासूम बच्चे जो हैं यहाँ पर गर्मी की शिदत में जो है वो बिलख रहे हैं और इस उम्मीद में है कि कोई शख्स आएगा जो हमारी मदद करेगा और हम कुछ साए में बैठ कर जो है अपनी ज़िंदगी बसर करेंगे। हम अभी हमारा प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, हम आगे जाएँगे और वो लोग जो इस वक्त पानी के अंदर बैठे हैं उनसे जानेंगे कि वो इस वक्त किस हालात में है और क्या उनके पास कोई मदद के लिए आया है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है तेरा? मोहम्मद यूसुफ। यूसुफ क्या कर दे हो? पढ़ते हो स्कूल? जी। केड़ी क्लास है? थ्री। थ्री जी क्लास में पढ़ते हो? जी। ते अब्बू नहीं बोल सकते? जी। अम्मी किधे? घर। अम्मी घर है छे। ते पर ऐसे बैठे हो, इतने को बैठे हो? घर में कंधे आने में। घर में पानी आ गया? जी। अच्छा तो उतने फिर नहीं बैठ सकते? नहीं। रात को किधे सोंदे? रात को कोरे उठे सोंदे हो? जी। नहीं तो पानी में डर नहीं लगता? जी डर नहीं लगता। बच्चे के चेहरे पर आप देख सकते हैं फिर भी मुस्कुराहट है, वो इस उम्मीद में है कि कोई शख्स आएगा जो हमारी मदद